जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैंने थंबनेल में लगाया कि आज मैं आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूं, जो बंदे एसएससी जीडी 2018 की फाइनल मेरिट की जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन मेरे से कतई नहीं रहेगा कि सर एसएससी जीडी की मेरिट कब आने वाली है। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा विथ प्रूफ, मैं आपको बता दूंगा किस डेट को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और वो प्रूफ भी ऐसा दूंगा कि आप खुद देख सकते हो उससे कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो लोग फालतू ही बोलते रहते हैं कि जनवरी में आएगा फरवरी में आएगा, जो चीज़ मैंने पहले ही बताई है कि जो इसका रिजल्ट है एसएससी जीडी का वो तो दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा ही आएगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा कि किस डेट को आएगा ये फाइनल रिजल्ट। तो ज़रूरी नहीं कि मेरे से पूछो, आप खुद पता कर सकते हो। आपको मैं एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर बताऊंगा इस वीडियो में, उस मोबाइल नंबर से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मोबाइल नंबर है उस पर कॉल कर आप पता कर सकते हो कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। और जो ईमेल आईडी है उस पर मेल भेजोगे तो आपको अगले 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा, जैसा कि मैंने भेजा है। मेरे एक मित्र है हरपेंद्र पाल, उन्होंने मेरे को ये बताया था, तो मैंने उनसे लेने के बाद फिर खुद से मैंने एक मेल आईडी भेजी है, मेल किया तो उसका रिप्लाई भी आया मेरे को, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जैसे कि मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख रहे हो कि ये जब मेरे को इतनी खुशी है आपकी रिजल्ट आने की तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो पर मेरे हाईएस्ट लाइक होने चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं उससे कई ज़्यादा व्यू होने, जितने लोग व्यूअर हैं उतने ही लाइक चाहिए इस वीडियो पर दोस्तों, क्योंकि इस ये वीडियो बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने भी एसएससी जीडी के मतलब 1 लाख के आसपास जितने भी कैंडिडेट हैं जो फाइनल मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है इंतज़ार करना, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा शंका दूर कर दूँगा, आपकी सारी जो परेशानी है वो दूर कर दूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वो कौन सी ईमेल आईडी है जिस पर आप मेल भेज के, उसके बाद ये नंबर बताऊँगा कि कौन सी ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आपको सिर्फ एक ईमेल भेजना है अपनी ईमेल आईडी से। वैसे तो आप सभी को पता होगा एसएससी की जो ऑफिशियल एसएससी जीडी के लिए जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं inquiry.sskkr@gmail.com, एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों inquiry.sskkr@gmail.com, ये एसएससी की ऑफिशियल ईमेल है। आप जैसे ही इसको अपने फ़ोन में ले जाके जहाँ से ईमेल भेजते हैं फॉरवर्ड करते हैं ईमेल, वहाँ जैसे ही ले जाकर दोस्तों इस ईमेल पे आप क्लिक करोगे या ये ईमेल जो मैं बता रहा हूँ वो ईमेल लगाओगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पर एसएससी का चिन्ह भी आ जाएगा और एसएससी की ईमेल आईडी आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद में दोस्तों आपको टाइप क्या करना है, क्योंकि आप सीधा कई बार इस पर मेल किए होंगे लेकिन आपको रिप्लाई नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आप इसको या तो हिंदी में लिख देते हो या तेलुगू वाला तेलुगू में लिख देता है, पंजाबी वाला पंजाबी, आपको ये इंग्लिश में लिखना है और लिखना कैसा है उसका एक तरीका भी होना चाहिए सही, तभी आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। तो आपको ये रिप्लाई पक्का मिल जाएगा 100%। आप ईमेल आईडी से किस प्रकार भेजना है दोस्तों, तो वो मैं बता दूं कि आपको ईमेल आईडी में लिखना क्या है, जब ईमेल भेजो आप तो उसमें आपको क्या लिखना है, मैसेज किस प्रकार से टाइप करना है, तो अच्छे से सुन लीजिए। वैसे मैं इधर लगा भी रहा हूँ आपके लिए, लिखे आपको सेम वैसा एज इट इज़ मैंने लिखा है उसी प्रकार लिखना है दोस्तों, बोल के भी बता रहा हूँ, इधर लिखा हुआ भी है तो इसको देख भी लेना, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, और बोल भी रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है, मैसेज लिखने का एक तरीका होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि एसएससी वाले आपको वापस रिप्लाई दे दोस्तों, तो आपको 100% पता हो जाएगा जो मैं डेट बोल रहा हूँ उस डेट को आपका रिजल्ट आना ही आना है। और उसके बाद मैं एक मोबाइल नंबर दूँ, जो ईमेल लिखने में जो सक्षम ना हो वो मोबाइल पर कॉल कर लेना, लेकिन मोबाइल लगातार बिजी रहता है उनका, तो जो उनका मोबाइल मतलब मोबाइल या वो जो बोर्ड का जो नंबर है वो बिजी रहता है, तो आप ईमेल भेजोगे तो भी ईमेल में भी आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, तो ईमेल भी भेज लेना और मोबाइल से भी कंफर्म कर सकते हो दोस्तों। तो मेल में क्या लिखना है, सबसे पहले सबसे ऊपर आपको लिखना है उसका एक तरीका, जिस तरीके से मैंने इधर लिखा उसी तरीके से आपको लिखना है दोस्तों, डियर सर आई एम कैंडिडेट ऑफ एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2018 एग्जाम डॉट आई हैव पास्ड ऑल द स्टेज ऑफ सेलेक्शन, आई हैव पास्ड आज द स्टेज ऑफ सेलेक्शन रिटर्न एग्जाम फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम, यानी मैंने इन तीनों को पास कर लिया, इसका मतलब यह है कि सर मैं एसएससी जीडी का कैंडिडेट हूँ और मैंने इन तीनों को पास कर लिया है, ऑल रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय सीआरपीएफ,
ये सभी आपको पता ही है कि CRPF के द्वारा ये सब कंप्लीट हुआ आपका। ऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय CRPF। आई वांट टू नो, यानी मैं जानना चाहता हूँ। फिर स्पेस देके नीचे वाली लाइन में आना है दोस्तों, नीचे वाली लाइन में लिखना व्हेन विल पब्लिश्ड द फाइनल मेरिट लिस्ट SSC GD 2018। प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको इसका रिप्लाई दे दीजिए सर। ये ज़रूर लिखना आपको लाइन कि प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। नीचे लिखना है थैंक यू योर रिगार्ड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये लिखना है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप लिखोगे तो मेरी गारंटी है आपको ज़रूर 24 घंटे, यानी 24 घंटे अगर ज़्यादा एक साथ मेरे वीडियो देखे ज़्यादा ईमेल जाएंगी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ज़रूरी आपको ये ईमेल से वापस रिप्लाई मिल जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद में जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हो दोस्तों। तो मोबाइल नंबर पे कॉल करोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर ज़रूर आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आपका फाइनल रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूँ आपका फाइनल रिज़ल्ट जो मैंने पता किया उस हिसाब से आपका फाइनल रिज़ल्ट दिसंबर मंथ की थर्ड वीक, यानी कन्फर्म है ये दिसंबर मंथ की थर्ड वीक। जैसा मैं शुरू में मेरा पहला वीडियो देख लेना और आपको मैं बता दूँ कि मैंने SSC GD की जो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन आती है, यानी क्या क्या नियम और शर्तें होते हैं SSC GD की जो आपको माननी पड़ेगी, उसके बारे में वीडियो बना रखा है। ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ओरिजिनली ज्वाइनिंग लेटर मेरा दिखा के वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो ज़रूर देखना, आपके बहुत काम में आएगा। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगेगा, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं है उनके कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लगे हैं मदर फादर के में जो SSC GD डिमांड ही नहीं करती है। तो दोस्तों उनके चक्कर में नहीं पड़ी है, वो मेरा वीडियो बना रखा है मैंने, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और वो पूरा मैंने हिंदी में बता रखा है, इंग्लिश मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको, और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना ही करना है, ये ज़रूरी है दोस्तों। तो इसके साथ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, और मैं बता दूं आपको दिसंबर की थर्ड वीक, मैंने जैसे शुरू से बताया कि दिसंबर लास्ट तक 12 दिसंबर के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ही आएगा, दिसंबर लास्ट तक आपका आ जाएगा और जनवरी फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरे हर एक वीडियो में बोला है, आज तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने प्रूफ भी नहीं दिया है, और आप जाके देख सकते हो मेरे कोई से भी वीडियो उठा के देख सकते हो, कट ऑफ से संबंधित जो भी मेरे वीडियो नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, हर एक में मैंने बोला कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की, आपको मोबाइल नंबर कौन से डायल करने से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर आप बात कर सकते हो और वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगी कि आपका रिजल्ट दिसंबर के लास्ट थर्ड वीक में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा दोस्तों। अब यकीन नहीं है तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूंगा, ईमेल आईडी भी लिख दूंगा ये SSC की, और जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ ये मैसेज भी लिख दूंगा, अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में ये मैसेज भी लिख दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, साथ में मोबाइल नंबर भी लिख दूंगा। तो मोबाइल नंबर है दोस्तों, नोट कर लीजिए 080-255-02520। नोट कर लिया होगा, एक बार और बोल देता हूँ 080-255-02520। अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाए हो नोट तो मैं लिंक नीचे, मतलब जहाँ डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी SSC की जो जिस पे आपको मैसेज करना है और क्या मैसेज करना है ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट ही जानकारी मिलेगी, SSC GD हो चाहे किसी से भी संबंधित हो, तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना दोस्तों। जय हिंद जय भारत।